वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे रस की। रस साहित्य में रस का अर्थ है, सामान्यतः अर्थ है आनंद। किसी भी साहित्य को या किसी भी काव्य को पढ़कर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी भी नाटक को देख के हमारे मन में जिस आनंद की लहरें उठने लगती है, मन खुशी से झूमने लगता है, उस अलौकिक आनंद को क्या कहते हैं? रस। तो रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, मैं आपको बताती हूँ। रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन सब से मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। अब रस का स्थायी भाव के कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगी। और रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हिंदी में 2 रस और जुड़ गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो अब कुल इसकी संख्या हो गई है 11। तो रस का पहले मैं रस का नाम बताऊंगी और उसमें जो स्थायी भाव है वो बताऊंगी। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण का क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक यानी दुख। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस का क्या है? हास। और रौद्र रस का क्या है? क्रोध। भयानक रस का क्या है? भय। अद्भुत रस का क्या है? आश्चर्य। विभत्स रस का क्या है? जुगुप्सा। शांत रस का क्या है? निर्विद। वात्सल्य रस का क्या है? वात्सल्यता। भक्ति का क्या है? देव विषय प्रति यानी भगवान के प्रति प्रेम। रस साहित्य में रस का अर्थ है, सामान्यतः अर्थ है आनंद। किसी भी साहित्य को या किसी भी काव्य को पढ़कर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी भी नाटक को देख के हमारे मन में जिस आनंद की लहरें उठने लगती है, मन खुशी से झूमने लगता है, उस अलौकिक आनंद को क्या कहते हैं? रस। तो रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, मैं आपको बताती हूँ। रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन सब से मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। अब रस का स्थायी भाव के कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगी। और रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हिंदी में 2 रस और जुड़ गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो अब कुल इसकी संख्या हो गई है 11। तो रस का पहले मैं रस का नाम बताऊंगी और उसमें जो स्थायी भाव है वो बताऊंगी। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण का क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक यानी दुख। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस का क्या है? हास। और रौद्र रस का क्या है? क्रोध। भयानक रस का क्या है? भय। अद्भुत रस का क्या है? आश्चर्य। विभत्स रस का क्या है? जुगुप्सा। शांत रस का क्या है? निर्विद। वात्सल्य रस का क्या है? वात्सल्यता। भक्ति का क्या है? देव विषय प्रति यानी भगवान के प्रति प्रेम। अब हम रस को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है, रसराज भी कहलाता है। इसमें क्या होता है? नायक नायिका के मध्य प्रेम जो रस उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये नायक नायिका के जो अभिनय से जो रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। तो ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग, ये वियोग रस। तो इसमें क्या होता है, संयोग में श्रृंगार रस में क्या होता है, इसमें नायक नायिका का पारस्परिक मिलन होता है, नायक नायिका आपस में मिलते हैं, तो इसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं। इसमें कहते हैं: कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे बोहन में करत है नैनन सुहु सो बात। माने कि नायक नायिका आपस में भरे सब लोगों के बीच में किस तरह से बात करते हैं वो इसमें बिहारी जी ने अपने दोहे के माध्यम से बताया है कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन सुही बात। तो इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। और अलंबन विभाग क्या है? नायक और नायिका है। और इसमें उद्दीपन भाव क्या है?
माने जो जो इस भाव को माने कि जो इस रस रस को जो उद्दीपन करता है, जो प्रकट करता है, वो क्या है? प्रकृति है, आलंबन का सौंदर्य है, बसंत ऋतु है, जो इन चेष्ट नायक नायिका के अंदर जो चेष्टाओं को जो जगाता है उसे उद्दीपन भाव कहते हैं। अनुभव जैसे हर्ष, जड़ता, अभिलाषा, चंचलता, उन्माद, स्मृति, रुदन, माने जो नायक नायक नायिका की जो चेष्टाएं होती है उसे कहते हैं अनुभव। अब वियोग रस लेते हैं। वियोग रस में क्या होता है, नायक नायिका आपस में बिछुड़ जाते हैं और जुदाई का, जैसे हम जिसे जुदाई बोलते हैं उसे दर्शाया जाता है। जब नायक नायिका का मिलन के अभाव में दुखी हो तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। माने आपस में बिछुड़ गए हैं तो जब वो दुखी होते हैं उसे वियोग रस कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ललन चलन सुनी पलन में आए गए बहु नीर, अधखंडित बेरी रही पीरी परी शरीर। यानी नायक के अभाव में जो नायिका थी उसका शरीर पीला पड़ गया है और दिन रात आंसू बहते रहते हैं। तो ये हो गया वियोग रस का उदाहरण। तो हमारे ये जो श्रृंगार रस के जो है ये दो पार्ट होते हैं, संयोग और संयोग श्रृंगार रस और वियोग रस। अब हम दूसरा रस लेते हैं, करुण रस। करुण रस की परिभाषा किस प्रकार होगी? जब किसी प्रिय वस्तु के नाश से दुख उत्पन्न होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। किसी प्रिय वस्तु का छिन जाना या किसी प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से जो रस उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। यानी दुख जो प्रकट दुख के भाव जो मन में पैदा होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही तो हल्दी के हार, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वह हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यानी पति के जो पति की मृत्यु के बाद में जो नायिका की दशा है वो इस पद में बताई गई है। तो इसमें आलंबन विभाव क्या हुआ, यानी किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु इसमें। वैसे और क्या होता है, धन ऐश्वर्य प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, इसके आलंबन भाव होते हैं करुण रस के। स्थायी भाव इसमें क्या है, शोक यानी दुख। अनुभव क्या है, यानी क्या पर किस प्रकार की चेष्टाएं हैं, भूमि पे गिरना, छाती पीटना, रोना, मूर्छा, कंपन आदि। स्थायी भाव इसमें क्या है, मोह, ग्लानी, स्मृति, विषाद, जड़ता, दैनता, तो ये इसके स्थायी भाव है। तो हमसे कई बार पूछा जाता है, कई बार हमको सिर्फ ये जैसे ये दे दिया जाता है, पद दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो हमें बताना होता है करुण रस है। कई बार पूछा जाता है इसके आलंबन विभाग लिखिए, तो हमें आलंबन विभाग लिखने होते हैं। कई बार संचारी भाव पूछे जाते हैं, सिर्फ पद देख के हमसे पूछा जाता है इसके संचारी भाव लिखिए, तो हमें इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब हम तीसरे रस को समझते हैं, हास्य रस को। हास्य रस की क्या परिभाषा होगी, किसी व्यक्ति का अनोखा विकृत रूप या किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर उत्पन्न हुए हास्य के भाव को हास्य रस कहते हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो हम फनी करेक्टर होता है उसको देख के हंसी आती है, क्योंकि उसकी विचित्र प्रकार की वेशभूषा होती है, उसकी विशेष प्रकार की बोली होती है, उसके विशेष प्रकार की चेष्टाएं होती है। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण देती हूँ, सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल दऊं मुंह तो इंडिया गेट। तो ये क्या है, ये हास्य उत्पन्न करने वाला ये पद है। तो इसमें स्थायी भाव क्या होगा इसका, हास। आलंबन भाव क्या है, विकृत वेशभूषा माने कि अनोखी प्रकार की वेशभूषा, विचित्र हाव भाव, हाव भाव भी विचित्र होते हैं, और हास्यजनक चेष्टाएं जो जिसे देखकर हमें हंसी आए वैसी उनकी चेष्टाएं होती है। अनुभव इसमें क्या है, मुस्कान होती है, आंखों का मिचमिचाना माने अनोखे तरीके से बात बात पे आंखों का मटकाना, आंखों का मिचमिचाना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बोलना, तो ये सब अनुभव होते हैं। संचारी भाव इसे देखकर कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, संचारी भाव, हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, उत्सुकता आदि, ये सब उसके अंदर इस पद में माने हास्य रस में होते हैं। तो ये चारों भाव, ये चारों चीजें मिलके क्या करती हैं, ये हास्य रस को उत्पन्न करती हैं। अब हम करते हैं रोद्र रस। जब दूसरे द्वारा किए गए अपमान, कटु शब्द या गुरुजन आदि की निंदा से क्रोध
उत्पन्न होता है उसे रोद रस कहते हैं। यानी हमारे सामने जो हमारे गुरुजन का कोई अपमान करता है या माता पिता का अपमान करता है तो जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, रोद रस। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी इसमें बताया गया है श्री कृष्ण ने जब उन्हें अर्जुन को तरह तरह से समझाया तो उन्हें आप प्रीति बताई कि दुर्योधन ने उन्हें किस प्रकार बंदी बनाने की कोशिश की, तब अर्जुन को बहुत दुख हुआ और वो अपने हाथ मलने लगे गुस्से में। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, क्रोध में। और अलंबन विवाह क्या होता है, विपक्षी शत्रु अशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया, ये अशिष्ट व्यक्ति आदि ये होते हैं। उद्दीपन भाव क्या होता है, विपक्षी शत्रु के वाक्य या कार्य, यानी हमारे अंदर ये जो भाव उत्पन्न करता है ये इसमें उद्दीपन कौन 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 है, इसमें विपक्षी शत्रु के द्वारा कार्य या वाक्य सुनकर जो हमें क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं तो वो ये उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभाव यानी इसमें कौन कौन सी चेष्टाएं होती है, इसमें नेत्रों का लाल होना, भय टेढ़ी मेढ़ी होना, हम जब गुस्से में होते हैं तब हम लोग ऐसे करते हैं, अगर रिलैक्स वे में होते हैं तो एकदम, और यदि हम गुस्से में होते हैं तो हमारी भौहें ऐसे 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 और होने लगती है। दांत पीसना, जब गुस्सा आता है तो सब लोग ऐसे करते हैं, नहीं तो एकदम आराम से रहते हैं। होठों को चबाना, जब गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो हम अपने होठ चबाने लगते हैं, कठोर दृष्टि से देखने लग जाते हैं और यहाँ तक कि शस्त्र अस्त्र शस्त्र भी उठा लेते हैं। हमारे घर में अस्त्र शस्त्र नहीं होते तो झाड़ू चप्पल। संचारी भाव, मोह मद उग्रता स्मृति आवेश चपलता आदि, तो ये सब क्या है, ये रोद्र रस को उत्पन्न करने वाले भाव हैं, ये सब मिलकर रोद्र रस को उत्पन्न करते हैं। अब हम वीर रस को समझेंगे। वीर रस की क्या परिभाषा है, युद्ध या दुष्कर कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब वीर रस का एग्जाम्पल लेते हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। माने यहाँ पे चेतक की विशेषता बताई गई है, तो ये वीर रस है। वीर रस में ये हम लोग बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी वीर रस की कविता है। जिस कविता को पढ़कर एकदम जोश आ जाए, उत्साह का भाव जाग जाए, कार्य में तेजी आ जाए उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस की बहुत सारी कविताएं हमारी हिंदी के साहित्य में लिखी हुई है। स्थायी भाव इसमें क्या होता है, युद्ध संबंधी उत्साह होता है। आलंबन विभाग क्या होता है, शत्रु या शत्रु सेना के लिए होता है। और अनुभाव इसमें क्या होता है, अनुभाव यानी इसमें गति होती है, भुजा फड़फड़ाना, आक्रमण करना, अस्त्र शस्त्र ये सब इसमें ये अनुभाव में आते हैं। संचारी भाव इसमें क्या होते हैं, इसको सुनकर क्या होता है, मान कि हर्ष इसमें क्या क्या होते हैं, संचारी भाव हर्ष आवेग उग्रता जोश गर्व, यानी सुनकर जो जिससे जोश आ जाए, तो ये हमारी वीर रस की कविताएं हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो वीर रस हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब हम छठा रस लेते हैं, भयानक रस। भयानक रस की क्या परिभाषा है, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु को देखने और उसका वर्णन सुनने से उत्पन्न भय का भाव भयानक रस कहलाता है। यानी किसी वस्तु घटना को देखें या किसी भयानक वस्तु को देखने से जो डर पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, भयानक रस। अब जैसे यहाँ पे है उदाहरण है, एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृगराय विकट बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी एक ओर अजगर था और एक ओर ये था शेर था, उसको देखकर बेचारे बटोही यानी जो पथिक था वो मूर्छा खा के गिर गया, बेहोश हो गया। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, भय डर के मारे। आलंबन विभाव क्या है, भयानक जीव जंतु भयानक दृश्य डाकू चोर कोई भी हो सकता है आलंबन। अनुभाव इसमें क्या है, पसीना आना आवाज न निकलना मूर्छा रोना चिल्लाना कंपन ये सब क्या है, अनुभाव है चेष्टाएं हैं हमारी। संचारी भाव इसमें क्या होता है, संचारी भाव इससे क्या उत्पन्न होता है, चिंता शोक त्रास ग्लानि दैन्य त्रास शंका, तो ये संचारी भाव है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये भयानक रस की उत्पत्ति करते हैं। अब हम विभत्स रस को लेंगे।
विभत्स रस कैसे पैदा होता है? घृणित वस्तु या घटना को देखकर या उसका वर्णन सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानी का भाव विभत्स रस कहलाता है। अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। सिर पर बैठियो काग आखा दऊ खात निकारत खींचत जीव ही सियार अत ही आनंद उर धारत। मैंने कहने का है कि इस पद में क्या है कि एक कौवा है जो कोई मांस खा रहा है, उसकी दोनों आंखें उसके सर पे बैठ के उसकी दोनों आंखें खा रहा है और जो सियार है वो उसकी जीभ निकाल रहा है और अति आनंद के साथ ये सब कर रहा है वो। तो यहाँ पे स्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। आलंबन विभाव क्या है? दुर्गंध युक्त मांस रक्त अस्थि पंजर और शमशान, यानी ये है सब आलंबन स्थान है ये जो है। अनुभाव क्या है इसमें? माने कि कौन कौन सी चेष्टाएं हो रही है? नाक भौं सिकोड़ना, थूकना, रोमांच, छींछी करना। और संचारी भाव इसमें क्या है? कौन से संचारी भाव पैदा हो रहे हैं? मोह, जड़ता, व्याधि, मरण, ग्लानी, शंका। तो ये सब भाव मिलके क्या करते हैं? ये विवत्स रस को उत्पन्न करते हैं। तो विवत्स रस कैसे होता है? कोई घृणित वस्तु को देखने के बाद में जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विवत्स रस बोलते हैं। अब हम लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस की क्या परिभाषा है? विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उठते हैं, उसमें विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। लीनो उखारे पहाड़ विशाल चलियो तही काल विलंब न लायो मारुत नंद मारुत को मन को खगराज का बेगी लजायो। कहने का भाव है कि हनुमान जी की यहाँ पे वीरता का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने लीनो उखाड़ पहाड़ विशाल, उन्होंने बहुत बड़ा पर्वत उखाड़ लिया और उसमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। मारुत नंदन मारुत को मन को, यानी जो जो हनुमान जी है वो ये मारुत के पुत्र हैं, तो वो उनका मन भी हवा के समान है। माने कि वो इतनी स्पीड से ये उड़े कि उनको देखकर जो खगराज है वो भी लज्जित हो गए। अच्छा, इसमें स्थाई भाव क्या है? इसमें विस्मय या आश्चर्य का भाव है कि कोई भी घटना को देख के इतना आश्चर्य हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आलंबन विभाव क्या है इसमें? अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु को देखना या किसी व्यक्ति को देखना। अनुभाव, अनुभाव इसमें क्या है? मुंह खुला रह जाना, दांतों तले अंगुली दबाना, स्तंभित रह जाना। संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष, आवेग, चिंता, जड़ता और चंचलता। तो अद्भुत रस में क्या है? अनोखी घटना, अनोखा कुछ हो जाना। अब हम लेते हैं शांत रस। संसार की नश्वरता, तत्व ज्ञान, संसारिक पदार्थों की असारता, परमात्मा के प्रति वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने से शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मीरा के भजन, कबीर की वाणी, ये जो है ये सब क्या है? शांत रस के उदाहरण है। अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं बिहारी का, बिहारी जी का एक दोह है। जब माला छापा तिलक सरन एको काम, मन कांचे सांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। यानी ये बाहरी आडम्बरों को छोड़कर हम माला, बाहरी आडम्बरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पे बोला है मन जब माला छापा तिलक सरण एको काम, बाहरी आडम्बरों से, बाहरी दिखावे से कभी भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। माला फेरने से, छापा तिलक कर लेने से कोई भी काम हमारा सिद्ध नहीं होता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक हमारा मन कच्चा है तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें सबसे पहले मन की शुद्धि करनी होगी, तभी हमारे अंदर ईश्वर के हमें अनुभूति होगी, हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। तो इसमें इसका यही आता है। स्थाई भाव क्या है? निर्वेद्य। और आलंबन विभाव इसमें क्या है? आलंबन विभाव इसमें है संसार की असारता का ज्ञान होना, नश्वरता का ज्ञान होना कि संसार जो है आज है कल नहीं है। अनुभाव मतलब संसार को दुखी देखकर कातर होना, यानी दुखी होना संसार की ये जो भाग दौड़ को देखकर जो ज्ञानी लोग होते हैं वो दुखी होते हैं कि ये लोग क्यों ऐसे कि इतना भाग दौड़ मचा रहे हैं, इतने हाहाकार मचा रहे हैं, इतना घमंड कर रहे हैं। आम इंसान क्या है? एक पानी का बुलबुला है। लेकिन ये सब ज्ञान हमें कब होता है? जब हमारे अंदर ईश्वर के हमें अनुभूति होती है या ईश्वर की का ज्ञान होता है, तब हमें ये सब अनुभूति होती है। संचारी भाव, संचारी भाव इसमें क्या होती है? मति, घृति, हर्ष, स्मृति, ग्लानि, जड़ता,
ये सब इसमें संचारी भाव होते हैं, माने कि हमारे अंदर एक नया अवतरण हो जाता है हमारा। और उत्पन्न भवी भाव क्या है? सत्संगति। सत्संगति के बिना कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो हमें जब तक हम धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अच्छे लोगों की संगति नहीं यानी सत्संगति नहीं करेंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शांत रस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, सत्संगति करना, तभी शांत रस हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है। अब हम करते हैं दसवां रस, वात्सल्य रस, यानी माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है, तब वह वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। अब जैसे उदाहरण है, यहाँ पे माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। यानी कवयित्री अपने बचपन का वर्णन करते हुए बता रही है कि मुझे मेरा बचपन फिर से लौट आया बेटी के रूप में। वो अपनी छोटी बेटी के बारे में बता रही है कि मुझे अपना बचपन फिर से जीने को मिल रहा है अपनी बेटी के रूप में। मेरी छोटी बेटी जो है वो खुद मिट्टी खाकर आई और अपने हाथ में भी मिट्टी लाई और मुझे खिलाने आई और बोली कि मैं कोई, यहाँ पे क्या बताया है कि मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मुंह में उसके भी थी और हाथ में भी लिए हुए थी और मुझे खिलाने आई थी। बच्चे की बाल सुलभ हरकतों को देखकर हम सबको अपना बचपन याद आ जाता है। स्थाई भाव इसमें क्या है? वात्सल्य तथा स्नेह है। आलंबन विभाव क्या है? शिशु है। अनुभव इसमें क्या है? आलिंगन, चुंबन, एक तक देखना। बच्चों की इन हरकतों को देखकर हम लोग यूं उनको निहारने लग जाते हैं। तो संचारी भाव क्या है? इसमें मोह है, आवेग है, हर्ष है। और उद्दीपन भाव विभाव इसमें क्या है? तुतलाना, घुटनों पे चलना, खेलना, अन्य बाल चेष्टाएं हैं। तो ये इस प्रकार ये वात्सल्य रस है। अब हम भक्ति रस की चर्चा करेंगे। भक्ति रस में क्या परिभाषा है? ईश्वर विषयक रति भाव जब भक्त के मन में उत्पन्न होता है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो यदि प्रकट हो जाता है, वो यदि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो क्या भक्ति रस होता है। तो मीरा की जो पद है वो भक्ति रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मीरा का यहाँ पे भी मैंने उदाहरण के तौर पे मीरा का रस लिया है। अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम मेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी ही सो होई। माने ये श्री कृष्ण के वियोग में मीरा ने दिन रात आंसू बहाए और जिसकी वजह से उनका प्रेम रूपी बेल और बड़ी हो गई है। मीरा की लगन ऐसी लगी, मीरा की भक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति थी वो इतनी बढ़ी कि मीरा कृष्णमय हो गई। यानी मीरा अपने अस्तित्व को भूल गई और श्री कृष्ण के में ही खो गई। स्थाई भाव इसमें क्या है? ईश्वर विषय प्रति, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना। आलंबन विभाव इसमें क्या है? ईश्वर। अनुभाव इसमें क्या है? ईश्वर का गुण कथन और गदगद होना, यानी बहुत प्रसन्नता का भाव होना। संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष, स्मृति, पुलक, गर्व। और उद्दीपन विभाव इसमें क्या है? ईश्वर के गुण, कृपालुता, सत्संगत आदि। तो ये इस प्रकार हमने सारे रस लिए हैं, तो उनका उदाहरण सहित मैंने दिए हैं। मैंने अपने वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं और उनके उत्तर भी लिखे हैं। कुछ एक एक्सरसाइज मैंने इस प्रकार दी है जो आप स्वयं करेंगे, और जो मैंने उदाहरण दिए हैं उनका आप अर्थ भावार्थ अपने अध्यापक गण की मदद से समझ सकते हैं। यदि आप फिर भी किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि मैंने जो आप लोगों के लिए जो वीडियो तैयार किए हैं उसमें यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये रस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का रुझान हिंदी के प्रति बढ़े
और उन्हें किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना आए और परीक्षा में इसमें अधिकतम अंक उठा सके। ये 10वीं की परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, भक्ति ये माने कि रस से रिलेटेड। कभी आपको ये दे दिया जाएगा, सिर्फ पद दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, दो पद दे दिया जाएगा जिसका आपको पूछा जाएगा, इसका स्थाई भाव बताओ, इसका आलंबन विभाव बताओ। कभी आपको दे दिया जाएगा भक्ति रस का कोई उदाहरण लिखो। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही कुशल होते जाएंगे। धन्यवाद।